स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत जो हमारा कार्यक्रम है, आप जानते हैं उसमें हम बात करते हैं स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर। क्यों ना आज ऐसा किया जाए कि बात हो भारत के बारे में। जी हाँ, भारत को हमें स्वच्छ करना है, हमारे पास लक्ष्य है, उसे हासिल करना है, हम जानते हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है तो हम ये भी जानते हैं कि वैदिक काल से हमारी जो सभ्यता रही है, जो संस्कृति रही है, जो परंपराएं रही हैं, वो इतनी समृद्ध हैं जिनमें साफ सफाई शुचिता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो आइए आज कार्यक्रम में इसी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए हमने आज कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर गोविंद बल्लभ जोशी जी को, जो भारतीय संस्कृति के ज्ञाता हैं और चिंतक हैं। तो जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी स्वागत, और आपको नमस्कार, और सारे हमारे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समानी प्रपा सहो अन्न भागा शिव संकल्प मस्त, हम सबके संकल्प जो हैं शिवमय हों, शिव माने कल्याणमय हों, और स्वच्छ भारत मिशन के लिए मेरी यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरुआत इसी से करते हैं, शिव का आपने जिक्र किया, कल्याण की बात हुई है, स्वच्छता की जब बात आती है वो भी इसीलिए कि हर किसी का, भारतवासी की अगर बात की जाए तो कल्याण हो, उसके लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। अगर हम वैदिक काल से शुरू करें तो डॉक्टर जोशी क्या कहेंगे आप कि हमारे यहाँ स्वच्छता को लेकर कितनी जागरूकता रही, कितनी सजगता रही? इस समय एक प्रकार का आंदोलन और मंथन चल रहा है स्वच्छता को लेकर के, और पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व आंदोलित हो गया है, और इस पर एक नया नवनीत प्रकट होगा और विश्व के लिए एक नया संदेश जाएगा। इसका तात्पर्य नहीं कि भारत में स्वच्छता नहीं है या वो नहीं है, लेकिन कुछ हम भूल चुके थे उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नए संकल्प शक्ति के साथ प्रकट किया है। क्योंकि आप देखिए, दुनिया में मैं स्वच्छता का एक हल्का सा कुछ क्षणों का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो हमारे, हम किसी की इसमें वो नहीं कह रहे कि किस रूप में कर रहे हैं, लोग जो कांटे छुरी से खाने वाले लोग हैं, वो सभ्यता संस्कृति हमें शुचिता पवित्रता की बात अगर बताते हैं तो शायद वो उतना कारगर नहीं हो पाता है। अगर आज भारत से उस स्वच्छता का एक संकल्प उठा है तो जो हम भूल चुके थे, या कुछ नई पीढ़ी हमारी उसको भूलती जा रही थी, जो हमारे वैदिक संस्कार थे, जो भारतीय सभ्यता थी, और उसको भूलने के कारण आज हम पीछे भटक रहे थे। अब देखिए विदेशों में क्या है, हाथ तो धो लेते हैं, अब हाथ धोने का भी दिवस आ गया है, लेकिन पैर नहीं धोते। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में हाथ और पैर धो करके भोजन के स्थान में जाओ तब भोजन करने का विधान रहा है, और भोजन करने के बाद जो बचा हुआ अन्न है वो नालियों में नहीं जाना चाहिए, उसके कीटाणु नहीं बनने चाहिए, वो चिड़ियाओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए उनको देने का विधान था। तो ये जो हमारी विराट परंपराएं हैं, जिस कारण भारत विश्व गुरु कहलाया, जिस कारण भारत की सभ्यता संस्कृति, जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, तो वेद में एक मंत्र आता है, वो लगभग सभी जगह कार्यक्रम के आखिर में बोलते हैं लोग, देव हो शांतिरंतरिक्ष गुंग शांति ही, पृथ्वी शांतिरापह, शांतिरौषधयः, शांति ही वनस्पतयः, शांतिर विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति ही, सर्वम शांति ही शांति ही। ये स्वच्छता से ही जुड़ा हुआ है जी। सबसे पहले द्यौ हो शांति, हमारे उन त्रिकालज्ञ जो ऋषि थे, मंत्र दृष्टा ऋषि थे, कितनी विराट भावना उन्होंने, आज हम विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, वो तो सारे यूनिवर्स की बात करते थे, पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा की बात करते थे, स्वच्छता की बात करते थे। उनको लगा कलयुग में बहुत वैज्ञानिक प्रगति होगी, आज हमारा अंतरिक्ष भी असुरक्षित है, जिस प्रकार से बहुत अच्छी बात है, सारे विश्व पर एक होड़ लगी है अंतरिक्ष में, अपने अपने सैटेलाइट छोड़े जा रहे, अच्छी बात है मौसम विज्ञान के लिए, अनेक सूचनाओं के लिए, लेकिन भविष्य में ये न हो जाए वो अंतरिक्ष युद्ध में न बदल जाए, हमारे ऋषि को ये चिंता थी। तो अगर हम अपने वेदों के लिहाज से बात करें, जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, उसमें शुचिता को लेकर विशेषकर क्या कहा गया है? अंतरिक्ष में शांति, अंतरिक्ष की शुचि, उसके बाद देवलोक है उसकी शांति, उसके बाद पृथ्वी लोक की बात होती है। पृथ्वी में क्या है, जल है, वायु है, ये सारे तत्व हैं,
अगर ये पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अगर इनको हम संतुलित ठीक ठाक से नहीं रखेंगे, चाहे वायु प्रदूषित हो जाए, चाहे पृथ्वी प्रदूषित हो जाए, चाहे जल प्रदूषित हो जाए, व्यक्ति स्वच्छ नहीं रह सकता है, सुखी नहीं रह सकता है। इसीलिए आसपास परिवेश में जितना हमारे पास में हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, यानी कि हम पूरे भारत को या पूरे दिल्ली को या पूरे बम्बई को या पूरे कलकत्ता को उसको स्वच्छ करने एक मिशन लेकर के लोगों को जागरूक कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति संकल्प से सबको जागृत कर सकता है, ये सामूहिक कर्म है। लेकिन जहाँ पर हम हैं हम उस स्थान को स्वच्छ रखें। हमारे यहाँ यह है तो पशु पक्षी भी, कहा जाता है श्वान, अगर कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से जगह साफ करता है। हमारे पक्षी पशु पक्षी इतने जागरूक हैं, और आज मनुष्य इतना अपने जो विवेक शून्य होने के कारण ही इस बात को नहीं समझ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें संवेदनशील होना होगा कि हमारे आसपास जो वातावरण, जो माहौल हम तैयार करें, उसमें समझे कि हम किस तरह योगदान कर रहे हैं या किस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि कार्यक्रम में चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की निमाई गांव, और वहां पर स्वच्छता को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं देखते हैं। आओ हम सब करें संकल्प, आओ हम सब करें संकल्प, मानव जीवन स्वच्छ बनाए, मानव जीवन स्वच्छ बनाए। कीप योर टॉयलेट क्लीन, हमेशा टॉयलेट को साफ सुथरा रखना है। वो करने लायक है, उसको करना है। बच्चों को भी हम लोग यही सिखाते हैं। और जो नहीं करना है, ड्रिंक वाटर विदाउट बॉइलिंग, कभी भी बॉइल नहीं करके पानी नहीं पीना है। थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया, कभी भी ओपन एरिया में जहाँ तहाँ गार्बेज नहीं फेंकना है, गंदे चीज़ नहीं फेंकना है। नंबर थ्री, ईट फूड विदाउट वॉशिंग। टॉयलेट बन जाएगा तो आपका ये टेंशन भी खत्म हो जाता है, इसीलिए आप लोग जैसे भी हो बनाना है बोल के हम लोग। अभी तो बहुत सुविधा है, पहले तो हम लोग बहुत दिक्कत देता, हम लोग जंगल में लेट्रिन करता था, और ये अपना टेम्परोली एक तो कैचा से बना के वहाँ से हम लोग लेट्रिन किया करता था, और शोर आते थे, कुत्ता आते थे, उसको भगा भगा के हम लोग लेट्रिन करना पड़ रहा था। अभी तो पिलर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। रॉकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। हा? मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। वो जमाना और था जब बारिश के लिए गांव में ये आसमान निहारते थे। जमाना बदला और हमारे रमेश ने गांव को भी बदला। ग्राम पंचायत स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का सक्रिय सदस्य बनकर अब पानी से जुड़ा कोई विकार हो, रमेश और समिति सदस्य मिलकर झट से समस्या सुधारने का टिकाऊ तरीका निकालते हैं, और अब से ऐसा ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर।
डॉक्टर जोशी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो इसमें किस तरह से योगदान कर सकता है, ये हमें स्वयं सुनिश्चित करना है, क्या कहेंगे? एक व्यक्ति अपने जहाँ पर वो रह रहा है उसको तो ठीक कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के मन में उठने वाला जो संकल्प है ना, अगर उसके अंदर विराट भावना है, वो संकल्प बृहत्तर महान कार्य कर सकता है। क्योंकि जो इकाई है, इकाई सबसे छोटी, आज देखिए ना, रुपया की संपत्ति, रुपया क्या है? एक रुपया ही रुपया है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से रुपये का जो अवमूल्यन होता है या रुपये की जो महत्ता बढ़ती है, तो रुपया मूल में है, इकाई मूल में है। एक व्यक्ति ऐसे भी चाहे, व्यक्ति बहुत, बहुत कुछ महत्व रख सकता है, क्योंकि वो संकल्प शक्ति से। आप देखिए ना, हमारे भारतीय स्वतंत्रता में एक एक व्यक्ति ने ही कितना कार्य कर दिया, क्रांतिकारियों ने। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा, वो एक ही तो थे। अलग अलग समय में जो एक व्यक्ति प्रकट हुआ, दूसरा प्रकट हुआ, तो अपने समय में एक इकाई थे उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प जागृत किया है और ये पूरे देश का और पूरे विश्व का है, और पूरे विश्व में इसकी भारत के प्रति जो हमारे भारत की मूल अवधारणा थी, शुद्धता की, शुचि की, और शौच पवित्रता दो प्रकार की है, एक बाह्य शौच है, बाहरी शुचि, और एक आंतरिक शौच है। जब भारतीय सभ्यता की बात चल रही है, जब यज्ञ आदि होते हैं, चाहे वो यज्ञात्मक हवनात्मक हो, चाहे सगुण साकार हो, वहां भी आते हैं, सगुण साकार हो चाहे निर्गुण निराकार हो, तो सबसे पहले परमार्जन कुशा शुद्ध करने वाली, कुशा से शुद्ध करने के भी उपकरण बने हुए हैं। कैसे शुचि शौच होना चाहिए, एक मंत्र आता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वाह्याभ्यंतरः शुचिः। हम अंदर से भी पवित्र हों, हृदय से भी, और बाहर से भी पवित्र हों। बोला हमारा हृदय तो बहुत पवित्र है, चारों ओर गंदगी है, परमात्मा का वहां वास नहीं है, तो इसलिए वाह्य अभ्यंतर शुचि, जो बाहर की शुचि, शुचिता होगी, पवित्रता होगी। क्योंकि देखिए, शरीर हमारा आत्मा का एक आवरण है, आत्मा का मंदिर है। मंदिर माने घर, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर का मतलब होता है घर। प्राचीन काल में जो हम मान्यताओं की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो हम, जैसा कि आपने बताया, यज्ञ हो, हवन हो, उनसे पहले भी साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। त्योहारों की भी यही परंपरा रही है, चाहे कोई भी त्यौहार हो पूरे भारतवर्ष में, उसमें भी साफ सफाई का, चाहे वो कपड़े अच्छे पहनने की बात हो, अच्छे खान पान की बात हो, घर की साफ सफाई की बात हो, श्रृंगार की बात हो, वो सब पक्ष उसमें आते हैं। लेकिन मान्यताओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या कहता है हमारा इतिहास कि हम किस तरह से रहते आए हैं, अगर पीछे जाकर देखते हैं तो? देखिए, वैदिक काल से ही, जब से सृष्टि का हमारा एक क्रम चला है, हमारे इस पौराणिक इतिहास के कारण, भारतीय इतिहास के कारण, हमारे ऋषि बहुत पवित्र रहे। उन्होंने बड़ी पवित्रता से, को धर्म सर्वधर्मानाम श्रेष्ठा, सर्वश्रेष्ठ क्या है, उन्होंने कहा मानव धर्म, जो सारे मानव के लिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां हृदा कस्वित् धनम्। ये जो पृथ्वी लोक है, यहाँ अनेक जीव जंतु प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य इसका सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के कारण इसका मेन ट्रस्टी है जी। तो इसका मतलब भारत का है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का, ये नहीं कहा, ये धरा की बात करें, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं, तो इसकी सुरक्षा का दायित्व तो पुत्र को है ही है। जब माँ पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए सब कर रही है, तो हमारी जो मान्यताएं हैं, चाहे तिथि त्यौहार हो, उसके साथ सबका जुड़ाव। आप देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध हमारा पर्व है जो सभी लोग मनाते हैं, दीपावली जी। दीपावली के पांच पर्व हैं। दीपावली एक दिन की दीपावली नहीं है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली बीच में आएगी तीसरे दिन, गोवर्धन और भैयादूज, ये दीपावली के पांच पर्व कहलाते हैं। तो इसका प्रारंभ होता है धन्वंतरी त्रयोदश से। ये स्वच्छता का और स्वास्थ्य का विषय है। अच्छा जी, लोग साफ सफाई करते हैं, घरों को स्वच्छ करते हैं, कूड़ा करकट दूर करते हैं, एक दूसरे को जो है जागरूक करते हैं, हल्दी का उबटन करते हैं। तो ये हमारी परंपराओं में, जैसे शरीर के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, आत्मा के साथ शरीर जुड़ा है, अन्योन्याश्रित संबंध है, ऐसे ही शुचि स्वच्छता का मानव का संबंध रहा है, और भारत इसका प्रकाशक रहा है।
अब मैं तो एक निवेदन करूंगा जो लोग भूल रहे हैं, हाँ जी, और इस अपनी परंपरा को, जब तक हम अपनी भावभूमि में नहीं रहेंगे, चाहे हम कितनी प्रगति कर दें, आज हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, ये डाइस बना हुआ है, इसको धारण कौन कर रहा है, सारे उपकरणों को धारण कौन कर रहा है, धरती माता कर रही है ना जी। जब ये धारण ही नहीं करेगी तो हम उस धरती शक्ति को भूल जाएंगे, तो चाहे हम कितनी उन्नति करें हम टिक नहीं सकते, इसीलिए गड़बड़ हो रही जी। तो ये अजीब सा समीकरण है जिसमें बात हो रही है उन्नति की, लेकिन प्रकृति से जब हम किसी तरह का, कहना चाहिए, दोहन करते हैं ज्यादा या शोषण करते हैं, तो फिर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं और समस्याएं आती हैं जिनसे आज हम जूझ रहे हैं। लेकिन वहीं प्राकृतिक सौंदर्य भी जब देखने में आता है तो वाकई लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ऐसे बहुत से राज्य हमारे यहाँ हैं। फिलहाल आपको लेकर चलते हैं पूर्वी सिक्किम, और वहाँ पर स्वच्छता को लेकर बहुत काम किया जा रहा है। स्वच्छ शौचालय, स्वर्णिम फुलवारी, घास पतवार जो विद्यालय परिसर में निकलते हैं उससे जैविक खाद बनाना और इसका उपयोग करके भूमि को और अधिक उर्वरित बनाकर सब्जियों और फलों का बागवानी तरीके से खेती करने वाला एक विद्यालय है जो अकेला उदाहरण है। सिक्किम के पूर्व जिला में स्थित आहो शांति माध्यमिक सरकारी विद्यालय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। इन्हीं विद्यार्थियों ने पाठशाला परिसर को स्वच्छ रखने के साथ साथ अपने प्रयास से जैविक खेती प्रणाली द्वारा सब्जियां उगाते हैं। विद्यालय मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम में इन्हीं सब्जियों का प्रयोग करके अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। हमारे स्कूल में बायोडिग्रेडेबल पीटे, जिसमें हम लोग जो भी डिकम्पोज होता है उसे डालते हैं, और उसी को हम यहाँ पर गार्डनिंग में भी यूज करते हैं और स्कूल गार्डनिंग में फ्लावर में भी लगाते हैं। वही में हम ऑर्गेनिक के लिए यहाँ जितने भी पत पतिंगर है उसको हम बायोडिग्रेडेबल पीट में लगाते हैं। वहाँ से हम जैसे जैसे वो ठीक होता है, मैन्यूर ठीक होता है, तब हमें यहाँ यूज करते हैं। पाठशाला परिसर में जो खर पतवार और जल्दी सड़ने वाले वस्तु और पदार्थ निकलते हैं उसे एक गड्ढा बनाकर उसमें डालकर व्यवस्थित ढंग से 2 माह के भीतर जैविक खाद तैयार की जाती है, उसका खेती करने में उपयोग करते हैं। ये क्या है कि अभी तो ये जो ऑर्गेनिक मिशन के अंतर्गत, सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन के अंतर्गत ये जो ईएम मिलता है, ये इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको पानी में थोड़ा घोल के यहाँ डाल देने से वो कम से कम 1 महीने में वो कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। वो टोटली ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, उसको लाके हम यहाँ पे सीधे लेके हम किचन गार्डन में डाल देते हैं, और जो भी बचता है उसको फिर हम स्कूल गार्डन में डाल देता है, फ्लावर गार्डन में। राज्य सरकार ने इस पाठशाला के लिए 1,54,000 के लागत से शौचालय का निर्माण कराया है। छात्रों के लिए 3 कमरा शौचालय और छात्राओं के लिए 3 अलग कमरा शौचालय के लिए 1 लेबोरेटरी के लिए भी बनवाई गई है। वयस्क छात्राओं के मुश्किल दिनों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी नैपकिन की भी व्यवस्था की गई है, जिसका मार्गदर्शन विद्यालय के शिक्षिकाओं द्वारा समय समय पर दी जाती है। आहो शांति माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी एक ओर कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके घर में सजाने योग्य सजावट सामग्री तैयार करते हैं, वहीं दूसरी ओर गुलाब का सुंदर बाग बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। विद्यालय के हर कोने में कूड़ेदान की व्यवस्था है। स्वच्छता की दिशा में पाठशाला का योगदान सराहनीय है। स्वच्छता के विषय पर भी पर हम लोग इन लोगों को विभिन्न क्षेत्र में हम लोग इन लोगों को कार्य कराते हैं। जैसे स्कूल में एक्टिविटीज होता है वो स्वच्छता के ऊपर हम लोग उसी के ऊपर कार्य कराते हैं। जैसे डिबेट, पेंटिंग कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन, हम लोग कंपटीशन के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ये सराहनीय है। हमने स्कूल में 100% ही हमें स्वच्छ अभियान को मेरे को लगता है हम लोग ने हासिल किया है और इसको हम लोग जारी रखेंगे। आहो शांति माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण प्रयास से एक भारतीय कवि की कल्पना साकार होता हुआ प्रतीत होता है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो
कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। और इस तरह स्वच्छ भारत अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थियों को जागरूक कर सकें तो अमूल्य भारत स्वच्छ भारत का स्वर्णिम गौरव हासिल कर सकेंगे। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से लगी। स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। अरे क्या बड़ी बात है। अरे रामू काका, बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। डॉक्टर जोशी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वैदिक काल से जो भी हमारी परंपराएं मान्यताएं रहीं उनमें तो बात है ही सत्यम शिवम सुंदरम, वहाँ सुंदरम जब कहते हैं तो वहाँ भी स्वच्छता निहित है अपने आप में। लेकिन आज के समय में जो परिदृश्य है उसमें अगर हम बात करें कि बच्चों की बात करें या जो भी आम जनमानस हैं, किस तरह से अनुशासित होकर इस ओर योगदान कर सकते हैं? एक तो हमको परिवारों को और जो संस्थाएँ उनको और व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक रूप से लोगों को इसको एक अपना एक धर्म बनाना पड़ेगा। उपदेशात्मक हो या निर्देशात्मक हो या सुझावात्मक हो, सुझाव के रूप में हो, इसको हमें एक जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। हर व्यक्ति इसको अपना संकल्प माने और ये इसके लिए जब तक हमारे युवा पीढ़ी और युवा से पहले वो होता है किशोर बालक होता है, हमारे यहाँ जो षोडश संस्कार विधि रही है, बच्चे के जन्म के 5 से 8 साल के बीच में 16 संस्कारों में सबसे पहले जो उसका स्वच्छता के लिए संस्कार दिया जाता है उसे उपनयन कहते हैं। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत भी कहते हैं, 8 साल में या 5 साल उसको उपदेश दिया गया है। हमारे स्मृति ग्रंथों में ये सब है, वेद में है। उससे कहा जा रहा, बेटे देख, आज से तुम संस्कार को बताने वाले हो गए हो, तुम्हें इस संस्कार को खुद बोलना है। 8 साल का, 5 साल का बच्चा संकल्प ले रहा है कि मैं स्वच्छता के विषय में, आचरण के विषय में, अपने अपने क्षेत्र में जहां जाऊंगा अपनी परिधि में बोलूंगा, ऐसी शपथ दिलाई जा रही है जी। तो क्या है, आचारः कुलम् आख्याति, अपना आचरण ऐसा करना कि देश का नाम हो जाए, परिवार का नाम हो, राष्ट्र का नाम हो, आपके क्षेत्र का नाम हो। और उसके लिए क्या कहा है, अगर आप यात्रा में जाओ नदी के तटों पर आपने मलमूत्र का त्याग नहीं करना है, पर्वत की चोटियों पर नहीं करना है, राख की ढेरी पर यज्ञ हो, पुराने खंडहरों पर भी नहीं जाना है, उसके लिए जो उपयुक्त स्थान बने हों शुचि शौच के वहीं करना है, नहीं तो तुम्हें उसमें अधर्म का तुम्हें आक्षेप लग सकता है। उसको ये भी दिया गया था उसमें, बहुत सुंदर। और अनुशासन और कानून, कानून एक प्रकार का वो धर्म जैसा ही कानून था जी। और वो बालक जहां भी जाता था इस बात को बताता था। और कहा जाता, एक मंत्र उसमें और कहा गया है, आचार हीनान नपुनंति वेदाः, अगर तुमने इस आचरण को नहीं किया तो वेद के मंत्र भी तुम्हें पवित्र नहीं कर सकते। आचार हीनान नपुनंति वेदाः, पुनंति माने पवित्र जी। तो तुमने अगर स्वच्छता का ध्यान और बहते हुए जल में, नदियों में यदि स्नान करो तो पहले प्रणाम करना जी। नहाने के बाद उसमें कपड़े मत निचोड़ना। आजकल तो लोग साबुन लगा रहे हैं, कितना कितना क्या हो रहा है। मैं इसलिए हमारी नदियां भी दूषित हो रही हैं। व्यक्ति को अपने संकल्प के रूप में, अगर हमारे युवा, हमारे बच्चे इस बात को एक संकल्प के रूप में, इसी को अपना खेल बना लें, इसी को अपना एक थॉट बना लें, इसी को जो है अपने भाषण का विषय बना लें, इसी को परिचर्चा का विषय बना लें, तो मैं समझता हूँ भारत नाम सार्थक हो जाएगा। योग की जब हम बात करते हैं, अब तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई, एक दिव्य सुनिश्चित हो गया उसके लिए, तो वो एक व्यक्ति को संगठित रखने में, व्यवस्थित रखने में कैसे मदद कर सकता है? जब तक मनुष्य का मन पवित्र नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणाएं, नाना प्रकार की जलन, यही आज समाज में विघटन का और विनाश का कारण बना हुआ है। तो योग कहता है, योग पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहले आता है अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र है। योग माने अनुशासन, व्यक्ति अपने सारे आचरण को अनुशासित करे, अथ योगानुशासनम। और दूसरा सूत्र कहता है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, हम अपने चित्त वृत्तियों को कंट्रोल में करें। और इसी बात को भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, बहुत बड़ा एक सूत्र दिया है उन्होंने इसी
योग का, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः। समय से उठना, समय से खाना, अपने कर्मों को व्यवस्थित करना, गंदगी आदि अपवित्रता न करना, दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, और इसी प्रकार का जो आचरण है उसको योग कहा भगवान कृष्ण ने, संतुलित अनुशासन को। और उसके बाद जो ऐसे व्यक्ति चलेगा उसको कभी दुख होगा ही नहीं। क्या बात है। तो हम कह सकते हैं कि हर बार बात वहीं आके पहुंचती है, चाहे अब भूकंप की बात हो, तो माउंट एवरेस्ट को जब जिक्र आता है कि हम अपने जो पर्वत हैं उनको भी गंदा किए चले जा रहे हैं, बात हो नदियों की वहाँ भी वही हाल है, गंदगी की जब बात आती है, वायु की बात हो वो प्रदूषण से भरी है, तो फिर कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हम जाने अनजाने जो नुकसान अपनी भूमि का, अपने भारत का कर रहे हैं। हम सबको सजग होना है कि हम जब कहते हैं स्वच्छ भारत, तो ये कोई मिशन, कोई अभियान ना रह के हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो जाए, यही प्रयास हमें करना है। डॉक्टर जोशी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे इतना ही कहेंगे, कार्यक्रम के विषय में आप कुछ भी कहना चाहें तो हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं अनुमति, नमस्कार।